अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रही है चांद रात को मुज़म्मिल की। मुज़म्मिल ने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पूरे पूरे रोज़े रखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी जो है तरावियाँ पढ़ी हैं। तो छोटी सी सेलिब्रेशन की थी बच्चे को खुश करने के लिए। और इतने सालों से मुज़म्मिल रख रहा था रोज़े, लेकिन ये है कि छोड़ छोड़ के रख रहा था, स्कूल भी जा रहा था, गर्मियों में रोज़े आ रहे थे, कभी तबीयत ख़राब, कभी मोशन, कभी बुखार। तो पिछले साल तो बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, 15 दिन स्कूल की छुट्टी करवानी पड़ गई थी और तबीयत उसकी सही नहीं थी, इसलिए रोज़े भी कम रखे। तो ये ऑन ऑफ रखता था, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह 11 साल का है मुज़म्मिल और जो है पूरे रोज़े रखे हैं, पूरी तरावियाँ पढ़ी हैं। तो एक छोटा सा गिफ्ट था मियाँ बीवी की तरफ से अपने बेटे को, और ये मैंने जो है पैकिंग करी थी, चीज़ें लेकर आई थी, सरप्राइज़ रखा था इसके लिए। कुछ उसकी फेवरेट सारी चीज़ें थी, चॉकलेट्स थी, कैंस थे, जूसेस थे, चिप्स थे, तो वो सब मैंने पैक करा था उसको, और लिफाफा दिया था, मिठाई खिलाई थी, हार पहनाया था। और उसके बाद उसके बाबा उसकी जो है फरमाइश पर KFC का खाना लेकर आए, तो वो खाया हम लोगों ने। ये चांद रात का सना पूरा है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इशाल आई हुई थी, तो इशाल कहती हैं कि लाला मम्मा मुझे मेहंदी लगानी है, तो उसको मैं पॉलर लेकर चले गई। रात को तकरीबन 12 या 12:30 का टाइम था, तो पॉलर से जो है ना उसको मेहंदी वेहंदी लगवा के आई। फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे, फिर सुबह फजर में उठे थे, फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद अपने तैयारियां शुरू कर दी। कमी शलवार इस्तरी किया मैंने अपने हस्बैंड का, बेटे का, फिर उनको नमाज़ के लिए उठाया। ये लोग नहा धोकर फिर गए नमाज़ पढ़ने के लिए गए, और फिर नमाज़ पढ़ के आए, फिर मेरे मियाँ ने मुझे ही ईदी दी, मुज़म्मिल को ईदी दी। फिर जो है नाश्ते का सिलसिला शुरू हो गया। नाश्ते में हम लोगों ने बनाया था, पूरियाँ बनाई थी, चाय थी, और छोले का सालन था, और अंडे आलू का सालन था। इन्होंने हर साल जो है मैं कीमा भूनती हूँ, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी है ना कीमा खाने का दिल नहीं कर रहा, अंडे आलू का तुम जो है ना नमक काली मिर्च डाल के जो बनाती हो वो बहुत अच्छा लगता है। कितनी दफ़ा मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ और बना भी चुकी हूँ घर में, तो बहुत अच्छा लगता है, कह रहे पूरियों के साथ अच्छा लगेगा तो तुम वो बना लो। अच्छा, पहले दिन हमारी दावत होती है मेरी दादी के घर, तो फिर हम नाश्ता वाश्ता करके मासी से काम वाम करवा के फिर हम सो गए थे। अच्छा, मैं बैठी हूँ ज़रा सा रोड की तरफ जो कमरा है ना वहाँ बैठी हूँ, तो थोड़ा सा ना ये ट्रैफिक के ना इसको अवॉइड करिएगा। फिर हम लोग रात में तैयार व्यार होकर दादी के घर चले गए। ये देखें ये सारी जो होता है ना हल्ला गुल्ला, बच्चे, मेरे भाई ने ये दोनों टाकों के बीच में इसको दबाया हुआ था, माशाल्लाह बहुत शरीर है अबू बकर, और जो है ये क्या कहते हैं ये हमारे मुन्ने हमारा बेटा, इसको मैंने अपने हाथों से पाला है, ये मेरा भाई, मेरा कज़न, और ये कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें वो कुक विद बिया को। बहुत मज़ा आया, दादी के घर सारे कज़न्स जमा होते हैं, सारे मेरे पप्पो, मेरे चचा वगैरह सब ईदियाँ देते हैं, हल्ला गुल्ला, हंसी मजाक, माशाल्लाह। खाने की वीडियो मैंने नहीं बनाई, और खाने में बिरयानी थी चिकन की, बड़े का पुलाव था, खीर थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरे कज़न का बेटा है और इसकी जो है वो अभी एक्टिंग आपको मैं दिखाती हूँ वॉइस रिकॉर्डिंग बन करके। जल्दी से करके बताओ फिर दूंगी। देखा आप लोगों ने उसकी एक्टिंग देखी, पता नहीं क्या क्या डायलॉग माशाल्लाह से बोलता है। उसके बाद सारे बच्चों ने भाई हमें पकड़ा और बोले कि चलो भाई KBS की आइसक्रीम खाने के लिए चलो, तो अपने भाइयों के बच्चों को मैं लेकर आई थी KBS की आइसक्रीम खिलवाने के लिए। बस यही इसी तरह दिन गुजर गया, फिर घर पर आकर हम लोग सो गए थे। तो ये था मेरा छोटा सा एक ब्लॉग, अपनी रूटीन अब मैंने बता दी थी, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।